लिजर्ड, ये रही यहाँ पे वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल बुलबुल एंटरटेनमेंट। और बिना किसी बुलबुली के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं सुबह उठ के चाय वगैरह पी के मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ मैं नानी को देख के। तो नानी को देख के आते हैं फटाफट और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं आज खालपार, तो चलिए मिलते हैं खालपार में। मैं जा रही हूँ, लकी 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 जा रही है, लकी जा रहा है, नीपा मतलब राशि और हमारी संजना और मैं जो हमारी हीरोइन है जो ड्रेस में जा रही है, फूल बनी हुई है। आइए मैं दिखाती हूँ इसने क्यों पहना है पीली ड्रेस। ठीक है, ये है खाल पार्क का गेट और यहाँ पे बस स्टैंड भी है, मतलब लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं। और पहले यहाँ पे पता नहीं पहले था कि नहीं था, नहीं पता, नहीं था ना पहले, ये नहीं था लेकिन अब है। ये इस तरफ जो घर बन गया ना, पहले ये जंगल था, पहले ये पूरा दोनों तरफ जंगल था, मतलब इस वाले घर को छोड़ के बाकी यहाँ से आगे सारे जंगल था। और अब यहाँ पे घर वार हो गया है, आगे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग तो था ही नहीं जो अब है। यहाँ पे तालाब शायद था ना, तालाब था, तालाब नहीं था। बहुत पुराने पुराने पेड़ पौधे। मेरी मम्मी बताती है कि ये पूरा जंगल हुआ करता था पहले, और यहाँ पे आने में लोग बहुत डरते थे। इसे बोलते खालपार, पता नहीं इसको बोलते कि आगे एक पानी का वो है, यहाँ पे विसर्जन होता है मूर्तियों का। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेन जगह कहाँ पे है जिसको बोलते खालपार। वो एक बन गया भाई, क्या एक बड़ा सा वो। हाँ, ये अभी बना है बिल्डिंग। क्यों बना दिया यार, क्या मस्त था ये सब, तो कुछ भी नहीं था पहले। हाँ देखो, ये इसके नीचे है पानी है। तुम ही बोलो पहले। इसके नीचे है पानी और इसको ही बोलते हैं सरस्वती खाल। क्या सरस्वती खाल, ये है ब्रिज, इसके नीचे है पानी और इसे कहते हैं नीपा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो ये ब्रिज है, इसको खाल पर बोला जाता है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, वहाँ पे लकड़ी का ब्रिज भी थोड़ा सा आगे है। अभी तो यहाँ पे ये हो गया, मानो ये क्या है, ये पाना, पाना। ये बहुत दूर से होते हुए आ रहा है। नहीं, ये कमल के फूल उगते हैं ना। हाँ। इसमें कमल के फूल उगते हैं और यहाँ पे आप लोगों ना पानी फल भी मिलेगा। अब इसके नीचे पानी फल होता है और सांप भी बहुत होता है इसके अंदर। ये रहा यहाँ पे मॉन्स्टर लिज़र्ड, और बाप रे बाप। यहाँ पे सारे केले का पेड़ है इस तरफ। ये भी है किसी की खेती वेती, ये स्कूल बन रहा है यहाँ पे। केले का पेड़ है, एक खजूर का है और अभी तक लगे नहीं। हाँ लगे लगे, केले लगे इसमें। इसके अंदर से चावल निकलते हैं, ये हो रही है चावल की खेती। कौन सा चावल है पता नहीं है, बासमती भी हो सकता है। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं इसका।
तो पहले तो ये सब जंगल हुआ करता था, अब तो चलो घर बन गया, रोड बन गया है आराम से। पहले मिट्टी में आया करते थे, यहाँ पे मिट्टी से रोड काट के जाते थे और दिन के टाइम आते थे, शाम के टाइम बिल्कुल भी नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों जानवर वानवर भी यहाँ पे बहुत सारा रहता है, जैसे सांप हो गया, मॉन्स्टर लिजर्ड हो गया, ये सारे ना बहुत भरे हुए हैं यहाँ पे, डर लगता है रात के टाइम। और इन लोगों को तो चलो आदत हो गई है रहते रहते, और जो मॉन्स्टर लिजर्ड है ना वो पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी है चढ़ना। तो गलियाँ देखिए कैसे हैं यहाँ की। तो ये शुरू होता है हम लोगों का गलियों वाला सफर, आप लोगों को दिखाते हैं। एक पेड़ गिर गया है यहाँ पे, गिर नहीं गया, काट दिया हो, गिर गया हो, जो भी। बहुत सारे बगुले, यहाँ पे पूरा बगुलों का झुंड है। इस तरफ भी खेत है, अब जा रहे हैं हम लोग अंदर के साइड, और दूर जाएंगे, दूर ही दूर जाते रहेंगे। मच्छर भी बहुत है, जैकेट पहन के आना चाहिए था। ये लोग भी रहते हैं देखो कैसी जगह पे, बाप रे बाप। मैं ऐसी जगह पे एक दिन भी ना रुक पाऊँ, मतलब दिन में तो रुक जाऊंगी लेकिन रात को नहीं रुक पाऊंगी भाई, मुझे चाहिए शोर शराबा वाला जगह। यहाँ पे तो डर के मारे वैसी हालत खराब हो जाएगी। तो राशि और मानू तो आगे निकल गए, मैं और लकी अभी पीछे पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमें बगुला का फोटोशूट करना था। बगुला बहुत दूर था, फोटोशूट हुआ नहीं, लेकिन हम लोगों ने बगुले का एक मतलब झुंड उड़ता हुआ वो मिस कर दिया, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से आगे रास्ते में चलते चलते, कोई चाय वाला मिलेगा तो चाय वाय पी लेंगे। तो चाय वाला मिलेगा तो चाय वाय पी के हम लोग निकल जाएंगे घर। वैसे हम लोग ऑन द वे है, मतलब रास्ते में ही है, हम लोग जा रहे हैं अभी घर की तरफ। तो बस चाय पीने की बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। दूसरा वाला जो रोड था, इस रोड से हम लोग जाएंगे और फिर उसी रोड पे मिल जाएंगे जिस रोड से हम लोग आए थे, मतलब वैसे ही कुछ है कनेक्शन। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में चलते चलते, बकवास करते 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 बस एक चाय की दुकान मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा जिसको बोलते मज़ा। तो यहाँ पे एक और पंडाल लगा हुआ है, ये अभी तक विसर्जन नहीं हुआ है, ये रास्ते में पड़ा हम लोगों को। चलो बेटा चलो चलो चलो। ये लड़की हम लोगों को ऐसी जगह लेके आई है, ऐसी जगह लेके आई है ना, इस लड़की ने बदतमीजी ने 40 रुपए का नुकसान करा ही दिया। फाइनली हम लोग पैदल निकले थे और ये फालतू में हम लोग इसमें लेके आई है, और हालत देखो, सबको मुंह देखो, कह रही मैं तो इससे ज्यादा, और यहाँ से कहती पैदल चलो, और यहाँ से भी कहती कि पैदल चलो, यहाँ से भी घर कम से कम 4 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर तो होगा ही होगा। पागल गई है। तो भाई ये एंड टाइम पे क्यों याद आया, ये तुझे पहले याद करना चाहिए था भाई, उधर कीचड़ है, कीचड़ के मुंह पे जाके याद आया थे, अब तो कीचड़ है। रोना
ये बदतमीज लड़की, ये मेरी लड़की को रुलाती है ऐसे करके, बहुत ही ज्यादा बदतमीज है ये लड़की। के वो कहे माँ तो आगे के हाँ अच्छे तुम आगे भय देख के चे के देखी चे बेटा एमी के ओय ना क्या नो तुम्हें ऐसे धर्म करे, तुम्हें ऐसे धर्म करे এটু হেঁচে দাও, তুমি হেঁচে দাও, বহুত ইচ্ছা রতি আপনি রোলা না अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। আমার হাগা বন্ধ হয়ে গেছে, এ না আবার আসবে, পড়ে গেছে, পড়ে গেছে, পড়ে গেছে, ইসকো পলট কে দেখি একবার, নেই হবা হচ্ছে না, ওটা আর হয় না, উঠে দেখো রে ভাই গেছে, সেটা নি পা, হ্যালো ভাস করে কি। तो आज फिर से हम लोग पहुंच गए गोलगप्पे खाने के लिए, और आज है हम लोग चार लोग चार लोग हैं, नहीं मैम के है, के के है, तुम हो एक हम है, तो फिर अरे अब दो गले गप्पे एक्स्ट्रा, गले गप्पे, गले गप्पे, ए हमारे घरे अर्चना छिल ना गेली से एकटा को हैं आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, और मेरे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल का सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को पत्थर फेंक के मारना, क्योंकि घूम घूम के ना आज मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है और मेरा कल है फास्ट, तो चलिए अब जल्दी से सो जाइए, ये नागराज बनी हुई है, देख नागराज, देखो बेटा नागराज ही बन गई, नागराजी नागराजी।